सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। कि किस तरीके से माइक्रोवेव ओवन को यूज किया जाता है, बेसिकली किस तरीके से माइक्रोवेव ओवन वर्क करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेसबुक पर, मेरे फेसबुक का लिंक ये रहा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है इनबिल्ट माइक्रोवेव और ओवन। इसके डुअल फीचर है, दो फीचर्स हैं। ये माइक्रोवेव की तरीके से भी एक्ट करता है और ओवन की तरीके से भी एक्ट करता है। आप देख सकते हैं इसकी जो बॉडी बनी है शाइनी और स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। अब आइए इसको खोलते हैं। ये मैंने इसको बाहर की तरफ से ऐसे खोला एंड अब आप देख सकते हैं इसमें कि एक ये ट्रे है जो कि बहुत ही हैवी ग्लास की ट्रे है और इस ट्रे के नीचे एक इस तरीके की सर्कुलर रॉड है जिसके नीचे छोटे छोटे व्हील्स लगे हुए हैं। ये व्हील्स इसलिए लगे हुए हैं कि हमारी जो ट्रे होगी वो रोटेट करने में हेल्प करेगी। अब हम इसको वापस लगा देते हैं। इस ग्लास के ट्रे की यूटिलिटी ये है कि जो भी हम खाना रखेंगे इसके ऊपर तो ये खाने को इवनली हीट करने में हेल्प करेगा। जब कभी भी हम माइक्रोवेव में खाना रखें तो मेक श्योर करें कि हम उसमें फॉयल, स्टील की प्लेट वगैरह नहीं रखें। हम हमेशा या तो माइक्रोवेव के जो बर्तन आते हैं, सेफ बर्तन आते हैं, उनको यूज करेंगे या फिर इस तरीके से कांच के बर्तन, बोरोसिल के बर्तन हम यूज करेंगे और उसको सेंटर में हम इस तरीके से प्लेट के ऊपर प्लेस कर देंगे जिससे कि इवनली हमारा जो खाना है वो गर्म हो जाए। एंड यहाँ से इस तरीके से हम अपने हिसाब से टाइमिंग को एडजस्ट कर लेंगे। एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए हम टाइमिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। एंड जब खाना माइक्रोवेव में गर्म हो जाता है तो हमें उसको बहुत आराम से निकालना है। या तो हम हैंड ग्लव्स का यूज करेंगे या फिर हम कपड़े का यूज करके एंड बहुत आराम से हम बर्तन को इस तरीके से ऐसे निकाल लेंगे अंदर से। इस माइक्रोवेव का मेन फीचर ये है कि आप इसको खाने को प्री हीट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जितना आपको गर्म करना है आप उसमें गर्म कर सकते हैं। आपको पापड़ सेकना है तो आप गैस की बजाय आप इस माइक्रोवेव में टाइमिंग्स डाल के आप पापड़ को सेक सकते हैं। अब जानते हैं इसके ओवन के यूजेस। इस अप्लायंस का दूसरा फीचर ये है कि ये ओवन की तरीके से भी यूज हो सकता है, तो आप इसमें स्टील के बर्तन भी यूज कर सकते हैं। अब वो आप स्टील के बर्तन किस तरीके से यूज करेंगे, जैसे कि हमें केक बनाना है, बेक करना है हमें चीजें, तो हमें स्टील का बर्तन यूज करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कन्वेंशन मोड है उसको प्रेस करके फिर उसके बाद में ये ओवन में टर्न हो जाएगा और जब ये ओवन में टर्न हो जाएगा तब हम स्टील के बर्तन वो यूज कर सकते हैं। इंटरनली आप इसमें ये देख सकते हैं कि आपको एक जालीदार गोल सर्कुलर रीजन दिख रहा है। उस रीजन की यूटिलिटी ये है कि इसमें एक फंक्शन होता है, ये फोर्स कूलिंग एंड एग्जॉस्ट सिस्टम की तरीके से एक्ट करता है। फोर्स कूलिंग और एग्जॉस्ट सिस्टम का मतलब ये है कि जब हम खाने को गर्म करते हैं तो उसकी जो स्टीम, उसकी जो गर्म हवा होती है उसको निकलने के लिए स्पेस चाहिए होती है। तो इसीलिए ये जो इसमें जालीदार सर्कुलर रीजन आप देख रहे हैं, जो गर्म हवा इस ओवन में खाने की वजह से पैदा होती है उसको ये सर्कुलेट करता है बाहर की तरफ और हमारे ओवन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखता है जिससे कि इसमें कोई स्पार्किंग ना हो, फायर ना हो और किसी भी तरीके का डैमेज नहीं हो। ये इसके कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस जानते हैं। आप इसमें कभी भी प्लास्टिक की चीजें, प्लास्टिक की बॉटल्स, जैसे छोटे बच्चों की बॉटल्स होती हैं हम उसमें निपल्स और बॉटल्स डाल देते हैं स्टरलाइज करने के लिए, उसको ना करें क्योंकि बॉटल प्लास्टिक जो है वो मेल्ट करता है ज्यादा हीट की वजह से और अगर बॉटल मेल्ट नहीं करती है तो जो उसका निपल है वो ज्यादा गर्म हो जाता है जो कि बच्चों के लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।